बुलंदशहर के खुर्जा से, जहां एमएसपी गारंटी कानून को लेकर भारतीय किसान यूनियन के लोगों के द्वारा किसान आंदोलन पार्ट टू में बुलंदशहर से भी आंदोलन जारी है। बुलंदशहर के खुर्जा में NH 34 पर सड़क किनारे फर्श बिछाकर सड़क पर किसान बैठे हैं। बता दें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के बाद ही किसान ट्रैक्टर रैली को दिल्ली कूच करेंगे, जिसे लेकर सड़कों पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? राजपाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान टिकैत। सर, जैसे कि किसान आंदोलन पार्ट टू चल रहा है, तो आप यहाँ ट्रैक्टर रैली क्या है, पूरा किस तरीके से मार्च निकाल रहे हैं? हुआ ऐसा कि हमारे यहाँ फरवरी और मार्च में शादी ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश में। हमने 14 मार्च दिल्ली के लिए कूच करने की रखी थी, घोषणा की थी इलाहाबाद से कि 14 मार्च को दिल्ली के लिए कूच करेंगे, क्योंकि 13 माह बॉर्डर पर रहे दिल्ली के, वह पहले रोक लिए गए। ऐसे प्रधानमंत्री एकाएक आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं समझा नहीं पाया, देश से माफ़ी मांगता हूँ और आपके तीनों कानून वापस लिए जाते हैं। हम बॉर्डर को खाली नहीं कर रहे थे। एक प्रपत्र संजय अग्रवाल के हस्ताक्षरों द्वारा आया कि आपकी जो 6-7 मांगे हैं को मान ली गई हैं, मान लेंगे, आप इसे खाली कर दो। प्रधानमंत्री हमारे खाली कर दिया, आज तक एक भी मांग नहीं मानी है। संघर्ष जब से जारी है, कहीं मीटिंग कर रहे हैं, कहीं धरना है, कहीं प्रदर्शन है, कहीं ज्ञापन है, चल ही रहा है। उसी कड़ी में 14 मार्च हमने, उससे पहले हमारी माइयों ने, चूँकि वहाँ शादी विवाह होते नहीं है, पंजाब में 13 फरवरी को कूच कर दिया। 13 फरवरी को वहाँ पहुँचे, उन्हें रोक दिया गया और वो स्थिति बना दी कि वहाँ कीला गाड़ दिए गए, पत्थर डाल दिए गए, पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसा बॉर्डर बना दिया गया और आंसू गैस के गोला चला दिए गए, गोली चला दी गई, मतलब जो कुछ उन पर हुआ पूरा कर रहे हैं। किसान अपनी बात कहना चाहता है, वो उसने घोषणा नहीं दे रहे और यहाँ तक पूरा आतंक बचा रखा है। हमने भी घोषणा कर दी कि वो हमारे भाई हैं, हम 14 को जा रहे हैं, 14 से पहले जब हमें आदेश मिलेगा हम अपने ट्रैक्टर को तैयार करेंगे और हमारे भी ट्रैक्टर उनमें जो भी समस्या है उसके लिए बॉर्डर पर जरूर पहुंचेंगे। अभी ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, कितने ट्रैक्टर आपके साथ हैं और क्या अभी तक आपकी क्या रणनीति है? जिस शाम तक पूरे उत्तर प्रदेश में मारते रह रही है, हर जिले में आज जो है जाएगा कि हमारे इतने ट्रैक्टर और पहुँच लेंगे, उसी का रिहर्सल कर रहे हैं हम कि हमारे कितने ट्रैक्टर मतलब आदेश में ले पाए, एकदम ले जा सकते हैं दिल्ली जाने के लिए। वो आज वही है, रिहर्सल किया जा रहा है। ये सांझ को हम निर्णय ले लेंगे कि हमारे इतने ट्रैक्टर दिल्ली पहुँचेंगे। फिलहाल सर कौन सी जगह बैठे हैं? ये तो रोड है खुर्जा पे और GT रोड है। ये हर रोड पर अपन अपने गांव से, अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने तहसील से, जिले से, जो रोड दिल्ली के लिए जाती है उसी पर सभी ट्रैक्टर आज रिहर्सल कर रहे हैं कि जब आदेश मिल जाएगा जब ही हम कूच कर देंगे। आज की तैयारी हमारी ये है और निश्चय ही जब तक अधिकार नहीं मिल जाते, MSP पर कानून नहीं बन जाता, हम पर जो भी कर्जा है वो माफ़ नहीं हो जाता, हमारे मुकदमा जो वापस नहीं लिए जाते, बिजली बिल है उसमें संशोधन नहीं हो जाता, लखीमपुर कांड के दोषियों को जेल नहीं भेजा जाता, मुकदमा वापस नहीं लिए जाते, जो संघर्ष जारी रहेगा, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर पर रहे, खुर्जा से रहे, दिल्ली से रहे, लखनऊ से रहे, हम बैठेंगे नहीं, अधिकार लेकर ही बैठेंगे। यह संकल्प ले चुका है किसान, उसी को लेकर बॉर्डर बैठा था, उसी को बैठ लेकर खुर्जा में और फिर बॉर्डर पर जा रहा है कि जब तक हमारे अधिकार हमें नहीं, हम वापस नहीं। यह संकल्प। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बब्बन चौधरी, मदनपुर, युवा पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। बब्बन जी, आज जो ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है, कितने ट्रैक्टरों की संख्या है और क्या आपकी जो है और जो आगे का प्लान है पूरा, क्या मांगे हैं बताइए? आज जो भारतीय किसान यूनियन और SKM द्वारा जो ये प्रायोजित कार्यक्रम है, नेशनल हाईवे पे ट्रैक्टर मार्च का है और आप देख रहे हैं पीछे सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर यहाँ नेशनल हाईवे खुर्जा अलीगढ़
रोड पर खड़े हुए हैं। दिल्ली की तरफ को इनका सबका चेहरा है ट्रैक्टरों का, और ऊपर से जब भी आदेश आ जाएगा, जो हमारे किसान भाई पंजाब की तरफ से आए हुए हैं और उनके ऊपर जो अत्याचार सरकार कर रही है उनके समर्थन में, उनकी मांगों के समर्थन में, क्योंकि किसानों की मांगे वो भी मांग रहे हैं और हम भी सब किसान ही हैं, वो हमारी ही लड़ाई वहाँ लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में आज ट्रैक्टर मार्च है। और जब भी ऊपर से एसकेएम का आदेश आ जाएगा, आज आ जाए, कल आ जाए या चार दिन बाद आ जाए, ये सारे ट्रैक्टर दिल्ली के लिए कूच करेंगे।